हेलो बच्चों, मैथ्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और अपन यहाँ क्लास ट्वेल्थ की बात कर रहे थे और सब्जेक्ट फिजिक्स की बेटा। और प्रोम में कुछ लेक्चर हो चुके हैं अपने चैप्टर फर्स्ट के। अब उसी लेक्चर को अपन आगे बढ़ा रहे हैं बेटा, उसी चैप्टर को अपन आगे लेके चल रहे हैं। जो लास्ट अपना जो टॉपिक था वो अपन ने छोड़ा था, विद्युत क्षेत्र रेखाएँ या बल रेखाएँ किसे कहते हैं। किसी आवेश के क्षेत्र में कोई अन्य आवेश जब आ जाएगा तो वह जिस मार्ग को फॉलो करते चलेगा वो मार्ग वक्राकार होगा, वो मार्ग ही उसका क्या कहलाता है, क्षेत्र रेखा या बल रेखा कहलाता है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं कि क्षेत्र रेखा या बल रेखाओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता पे चलते हैं बेटा। देखो, बल रेखाओं की विशेषताएं, बल रेखाओं की विशेषताएं बेटा। तो विशेषता नंबर एक देखो बेटा, पहली विशेषता है बेटा, बल रेखाएं हमेशा धनावेश से चलती हैं या प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर जाकर इसका अंत हो जाता है। ऋणावेश पर जाकर क्या हो जाता है बेटा, अंत हो जाता है। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, पहला पॉइंट। ठीक है, विशेषता नंबर दो, अगर धनावेश या ऋणावेश अलोन हो, अकेले हो, अकेले को बोलते हैं बेटा विलगित हो, तो क्या करना है। तो उस स्थिति में विद्युत बल रेखाएं अगर प्लस चार्ज है तो आपको बाहर निकलती हुई दिखानी है। क्या करना है बेटा, बाहर निकलती हुई दिखानी है। और अगर चार्ज नेगेटिव है तो आपको विद्युत बल रेखाएं एंटर करती हुई दिखानी है, अंदर की ओर। ये कब की स्थिति है, जब दोनों चार्ज क्या हो, अकेले हो। ठीक है, अकेले अगर प्लस है तो बाहर निकलती हुई दिखानी, क्योंकि धनावेश से चल जाती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, ऋणावेश के अंदर होकर आती है, अंदर की तरफ दिखाना है। ठीक है, ये अकेले की बात है बेटा। कभी कभी ऐसा पूछ भी लेता है कि विलगित धनावेश के लिए बल रेखाएं खींच, तो आपको कुछ इस प्रकार खींचनी है, इनकी बाहर निकलती हुई दिखानी। विलगित ऋणावेश के लिए आपको अंदर एंट्री करती हुई दिखानी। ठीक है, और इन विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींच देते हो, टेंजेंट खींच देते हो, तो वह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को शो करती है। किसको शो करती है बेटा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। ठीक है बेटा, हो गई विशेषता नंबर तीन। चौथी विशेषता, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, अन्यथा जो उनका कटान बिंदु है, क्रॉस सेक्शन पॉइंट है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक बिंदु पर केवल विद्युत क्षेत्र की एक ही डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो कभी भी दो विद्युत बल रेखाएं आपस में क्रॉस नहीं करती है, काटती नहीं है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं बेटा आगे। देखो, अब बल रेखाएं खींचते हैं अपन कुछ के लिए, पांच नंबर समझ लो उसको। देखो, विद्युत बल रेखाएं कैसे कैसे खींचनी है, हाँ भाई देखो, पहले अपन खींच रहे हैं आवेशों के युग्म की बल रेखाएं। किसकी खींच रहे हैं बेटा, युग्म की बल रेखाएं। युग्म का मतलब जोड़े के रूप में, प्लस माइनस। ओके, तो अपन लेके चल रहे हैं बेटा, यहाँ पर तो है प्लस,
और यहाँ पर है बेटा माइनस। अब कहे इस युग्म की बल रेखा खींचो, तो आप बल रेखाओं को कैसे खींचोगे? देखो बल रेखा ही प्लस से शुरू होगी और माइनस पर उसका क्या होगा? अंत होगा बेटा, कुछ इस तरह। और खींच लेते हैं बल रेखाएं, जो भी बल रेखाएं सारी प्लस से शुरू होगी और माइनस पर उसका क्या हो जाएगा बेटा? एंड हो जाएगा। तो ये है आवेशों के युग्म की बल रेखाएं, कुछ इस तरह आपको खींचनी है। कोई भी बल रेखा एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए, ठीक है बेटा, दूर दूर होनी चाहिए, ठीक है। और भी बल रेखाएं अगर आपको दिखानी है तो आप ऐसे करके छोड़ दीजिए बेटा, इधर से ऐसे करके छोड़ दिया मैंने, तो इधर से भी ऐसे कर दीजिए। भाई ये आ रही है, ये ऐसे ही ये आ रही है, ठीक है। ये है अपने युग्म की बल रेखाएं। अब अगर दोनों चार्ज प्लस प्लस हो फिर कैसे बल रेखाएं खींचनी है? देखो बेटा, अगर ये भी प्लस है और इधर भी प्लस है तो फिर विद्युत बल रेखाएं कैसे खींचोगे? देखो विद्युत बल रेखाएं प्लस से शुरू होगी, ठीक है, और माइनस पर एंड होगी। लेकिन अगर दोनों ही प्लस प्लस है तो फिर क्या करना है? तो मैंने बताया था कि प्लस प्लस होगा तो प्लस से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हुई आपको दिखानी है, ठीक है। तो ये प्लस है तो आपको विद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरह दिखानी है, बाहर की ओर निकलती हुई। इस प्रकार तीर का चिन्ह आपको लगाना है ऐसे इसके लिए। ओके, ठीक है बेटा, इस प्रकार आपको दिखाना है। और अगर दोनों माइनस माइनस हो तो फिर क्या परिवर्तन होगा? सिंपल सी बात है बेटा, अगर दोनों माइनस माइनस है तो फिर आप जब बल रेखाएं खींचोगे तो आपको कुछ नहीं करना, बल रेखाओं को अंदर की तरफ आती हुई दिखानी है। ये जो तीर की दिशाएं हैं ये आपको बदल देनी है, क्योंकि नेगेटिव के लिए अपन इंस आती हुई दिखाते, फिर आपको तीरों की डायरेक्शन बदल देनी है। ओके बेटा, तीरों की डायरेक्शन केवल बदल जानी चाहिए, प्रवेश करती हुई आपको दिखानी है, ठीक है। तो ये हो गई युग्मों की बल रेखाएं, जिसमें अगर प्लस माइनस है तो प्लस से शुरू करना है, माइनस पर एंड करना है। दोनों प्लस प्लस है तो आपको बाहर निकलती हुई दिखानी है, दोनों माइनस माइनस है तो आपको प्रवेश करती हुई दिखानी है, ठीक है। ओके बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे जो छठे नंबर पे है वो है बेटा अगर ऐसे कह दे कि विद्युत क्षेत्र कैसा है? एक समान है। कैसा है? आगे जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे बेटा विद्युत बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र, जिसको बोलते हैं समरूप या एक समान विद्युत क्षेत्र। तो समरूप विद्युत क्षेत्र या एक समान विद्युत क्षेत्र को किस प्रकार दिखाओगे आप? समरूप या एक समान विद्युत क्षेत्र को समांतर रेखाओं से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है बेटा? समांतर रेखाओं से। और वो समांतर रेखाएं इस प्रकार होती है कि सभी के बीच की दूरी क्या रहती है? इक्वल रहती है। ये किसको दिखा रहा है बेटा? एक समान विद्युत क्षेत्र को। एक समान विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए क्या करते हैं? समांतर बल रेखाएं खींची जाती है जिनके मध्य की दूरी क्या होती है? इक्वल होती है। ये है विद्युत क्षेत्र E। सब जगह एक समान है, यहाँ भी E है, यहाँ भी E है, यहाँ भी E है, यहाँ भी E है और यहाँ भी E है, क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र को समांतर बल रेखाओं की सहायता से दिखाया जाता है जिनके मध्य की दूरी क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। अब अगला जो नंबर है वो क्या है? देखो भैया, अगर किसी स्थान पर बल रेखाएं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा का मतलब सघन अवस्था में है, बहुत पास पास, इसका मीन्स है कि उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र क्या है? प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है बेटा। विद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा क्या है? प्रबल है। अगर ऐसा है तो विद्युत क्षेत्र क्या है? प्रबल है, ठीक है बेटा। और अगर बल रेखाएं बहुत दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर बना दी मैंने, तो मतलब अंतराल ज्यादा बढ़ जाए, उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा बेटा? दुर्बल है,
कहने का मतलब अगर बल रेखाएं बहुत ज़्यादा पास पास है उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और बल रेखाएं दूर दूर है उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, दुर्बल होता। यह है बेटा अपने पास विद्युत बल रेखाएं और विद्युत बल रेखाओं की कुछ विशेषताएं। ठीक है, आपसे क्या पूछ सकता है कि विलगित धनावेश की बल रेखा खींचो या विलगित ऋणावेश की बल रेखा खींचो, एक तो ये पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है आवेशों के युग्म की बल रेखा खींचो, अब वो चाहे प्लस माइनस हो तो आप कैसे खींचोगे, अभी बता दी मैंने, प्लस से तो निकालनी और माइनस पर उसका एंड करना है बेटा। ठीक है, ओके। और दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र की डॉट 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 हो जाती है, इनकी दो दिशाएं हो जाती है। ऐसे खालिस्तान भी हो सकता है बेटा। ठीक है, ओके। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, विद्युत बल रेखाएं और उसके गुणधर्म या प्रॉपर्टी या विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया बेटा अपना विद्युत बल रेखाएं। ठीक है बेटा, अब अपना अगले टॉपिक पर चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। टॉपिक है बेटा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत सिंपल टॉपिक है, एक फॉर्मूला है उसका यूज होगा बेटा आगे, लेकिन आप पहले देख ले बेटा एक बार, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, शायद बिंदु आवेश दिख नहीं रहा शायद आपको, थोड़ा नीचे लिख देता हूं बेटा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके बेटा, तो चलते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो देखो बेटा, ये है एक कोई बिंदु आवेश जिसको नाम दे दिया मैंने प्लस क्यू। ठीक है, और ये कहाँ रखा है, किसी बिंदु ओ पर। ठीक है, और इससे कुछ दूरी पर, वो दूरी मान ली मैंने स्मॉल r, दूरी पर एक अन्य बिंदु है बेटा P, जहां पर एक चार्ज रखा है जिसका नाम है क्यू नोट, परीक्षण आवेश। ठीक है, O से स्मॉल r दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखा है क्यू नोट और बिंदु P पर। ठीक है, और यहां विद्युत क्षेत्र की दिशा है प्लस से कहां होगी, दूर लगाए गए बल की दिशा में। ठीक है, तो लाइन क्या लिखोगे कि चित्रानुसार किसी बिंदु O पर एक प्लस क्यू बिंदु आवेश रखा है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक अन्य परीक्षण आवेश क्यू नोट है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, और उसकी O से दूरी कितनी है, स्मॉल r है बेटा। ठीक है, O से दूरी कितनी है बेटा इसकी, स्मॉल r। तो चलते हैं बेटा, बात क्या है, देखो भाई अपन काम कर रहे हैं बेटा, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो बल लग रहा है, किस पर, क्यू नॉट आवेश पर। प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला कुलाम बल, बेटा फॉर्मूला क्या कहता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू वन की जगह क्यू है, क्यू टू की जगह कौन है, क्यू नॉट है, आर स्क्वायर का काम आर स्क्वायर कर रहा है। अपन को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा क्या कहती है कि ई इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है बेटा, एफ का मान ये रहा, रख दीजिए के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और देखो क्यू नॉट फॉर्मूले का और है, क्यू नॉट से क्यू नॉट गया, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान दे बेटा, फॉर्मूला क्या निकल के आया है, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है,
किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर अपन यहाँ डायरेक्शन लेके चलते हैं, वेक्टर का यूज़ करते हैं, तो बेटा यहाँ साइड में बता देता हूँ मैं, एफ वेक्टर लिखोगे तो के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ साथ में लिखोगे आर कैप। ऐसे ही फिर ई वेक्टर जब अपन निकालेंगे तो एफ के ऊपर क्या लगा दो, वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, और मान रख दीजिए ये वाला, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा क्या, ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, साथ में आर कैप और आ जाएगा। उससे कोई तकलीफ नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर, कुछ इस तरह, ठीक है। यह है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डायरेक्ट याद रखे बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आता है देखो, कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी मान लो 0.9 मीटर है, और एक कोई आवेश का मान दे देगा आपको, मतलब इस Q का मान दे देगा, दूरी आपको दे दी, तो आपसे पूछ लेगा कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो आपको फॉर्मूले पे जाना है, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के का मान आपको देगा नहीं वो, क्योंकि के की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कितनी होती है, 9 × 10 की घात न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ठीक है बेटा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, मैथ्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है, और अपन सब्जेक्ट फिजिक्स की बात कर रहे थे बेटा, और क्लास 12th की, इससे पहले अपने कुछ लेक्चर हो चुके हैं बेटा, उस लेक्चर में अपन ने बताया था कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। उस फॉर्मूले को बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं बेटा, अब जो टॉपिक है उसमें उस फॉर्मूले का यूज़ आने वाला है, तो अपन चलते हैं बेटा अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखो बेटा, अब जो अपना टॉपिक है वो है बेटा द्विध्रुव, और द्विध्रुव भी कौन सा, विद्युत द्विध्रुव बेटा, कौन सा द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। तो चलते हैं बेटा विद्युत द्विध्रुव क्या है। देखो बेटा, नाम में पता चल रहा है द्वि का मतलब दो, ध्रुव का मतलब पोल होते हैं बेटा इंग्लिश में, तो अब अपन यहाँ कैसे परिभाषित करेंगे उसको देखो बेटा, कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन है बेटा कि दो आवेश लेने, क्या लेने हैं आपको, दो आवेश, और दोनों आवेश इस प्रकार के लेने हैं कि उनके आवेशों के परिमाण तो क्या रहने चाहिए बेटा, समान, मैग्नीट्यूड समान होने चाहिए, मतलब अगर ये क्यू है तो ये भी क्यू होना चाहिए, ये 2q है तो ये भी 2q होना चाहिए, ठीक है। तो आवेश का परिमाण तो आपको लेना है समान, और उनकी प्रकृति आपको डिफरेंट लेनी है, प्रकृति का मतलब ये प्लस क्यू है तो ये क्या ले लिया मैंने, माइनस क्यू, इसको माइनस ले लिया तो उसको प्लस। तो जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर हो, और उस दूरी को मैंने मान लिया बेटा, मान लो 2d, कितनी है 2d, आप d भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ 2d इसलिए माना है बेटा, जब अपन आगे कैलकुलेशन करेंगे तो अपन को आधा पार्ट करना है इसका, हाफ हाफ, तो इधर का d रह जाएगा और इधर का d रह जाएगा, तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी रहेगा। अगर आप लोगे d तो बेटा इधर का d बाई 2 हो जाएगा, फिर इधर का d बाई 2 हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो परिभाषा क्या है, जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर हो, तो इस प्रकार जो व्यवस्था आपको प्राप्त होगी उसको ही क्या कहते हैं बेटा, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है बेटा। तो परिभाषा क्या है, जब समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश
एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, अल्प दूरी पर हो। तो इस प्रकार बनी व्यवस्था क्या कहलाती है बेटा? विद्युत द्विध्रुव कहलाती। क्या कहलाती है फिर वो? विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है? समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो मिलकर किसका निर्माण करते हैं? विद्युत द्विध्रुव का। इलेक्ट्रिक डाइपोल द्विध्रुव को बोलते हैं बेटा डाइपोल, DIPOL, डाई का मतलब दो। ठीक है बेटा, ये हो गई विद्युत द्विध्रुव की जनरल परिभाषा। अब आगे चलते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। किस पर चल रहे हैं बेटा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो चलते हैं बेटा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। हाँ भाई, अब चलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो पहली बात तो ये कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल पी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा? स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब परिभाषा क्या है इसकी? गणितीय। स्मॉल पी इक्वल टू किसी भी एक आवेश का तो क्या ले लो बेटा? परिमाण। क्यू क्यू टू क्यू है तो टू क्यू। किसी भी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं बेटा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, यह एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? यह एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि माइनस से कहाँ होती है? प्लस की ओर। माइनस चार्ज से कहाँ होती है? प्लस चार्ज की ओर। किसकी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो अगर इसको मैं सदिश रूप में लिखूं वेक्टर फॉर्म में, तो सदिश रूप में P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू सदिश दूरी, Q इंटू 2D वेक्टर बेटा। ठीक है, यही क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये अपनी कौन सी दूरी है बेटा? सदिश दूरी है। कौन सी दूरी है? सदिश दूरी, उसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है? जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बेटा कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, एक नंबर में। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है, आवेश दोनों के परिमाण समान होने चाहिए और दोनों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। तो अपने दिखाने के लिए आपको थोड़ा करके दिखा दिया बेटा, बस दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। तो किसी भी एक आवेश का आप परिमाण ले लो और दोनों के मध्य की दूरी ले लो, उसके गुणनफल को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, जो कि एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी दिशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की ओर होती। ठीक है, ये हो गया बेटा इसका सदिश फॉर्म। अब चलते हैं इसके मात्रक पर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही मात्रक निकालना है। ये क्या है? क्यू आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। और साथ में किसका गुणनफल है? दूरी का। दूरी का मात्रक होता है बेटा मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर। क्या मात्रक हो गया? कूलाम इंटू मीटर। जिसको इसका अन्य मात्रक डी बाई क्या होता है बेटा? डी बाई और होता है, डी बाई होता। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अन्य मात्रक क्या होता है? डी बाई। क्या होता है बेटा? डी बाई। और एक डी बाई बराबर होता है 3.3 × 10⁻³⁰ कूलाम इंटू मीटर।
एक डीबाई में कितने कूलाम इंटू मीटर होते हैं? 3.3 × 10⁻³। ओके बेटा, 3.3 × 10⁻³, ये कूलाम होते हैं। ओके, एक डिबाई में कितने कूलाम इंटू मीटर होते हैं? 3.3 × 10⁻³। और डिबाई क्या है इसका? बहुत बड़ा मात्रक है। किसका? विद्युत विद्युत आघूर्ण का। और अगर अपन फॉर्मूले से देखें तो क्या निकल के आता है? कूलाम इंटू मीटर। ठीक है बेटा, ये हो गई बेटा विद्युत विद्युत और विद्युत विद्युत आघूर्ण के बारे में जनरल। ठीक है, अब चलते हैं बेटा, अपन को विद्युत विद्युत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। उसके लिए दो पोजिशन है। अब पोजीशन कौन कौन सी उसको देख रहे हैं बेटा, ध्यान से बोर्ड पे ही ध्यान रखिए। अब थोड़ी देर देखो, ये जनरल परिभाषा हो गई विद्युत विद्युत और विद्युत विद्युत आघूर्ण की। ठीक है, तो अब चलते हैं बेटा कौन कौन सी स्थितियां होती है देखो। हाँ भाई, विद्युत विद्युत में दो स्थितियां होती है, कौन कौन सी देखो। एक तो होती है अक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति? अक्षीय। और एक होती है कौन सी स्थिति बेटा? निरक्ष। एक तो होती है अक्षीय स्थिति और एक होती है निरक्ष स्थिति। ठीक है, दो स्थितियां होती है। अब कौन कौन सी तो अक्ष कहेंगे देखो, ये था अभी थोड़ी देर पहले विद्युत विद्युत आघूर्ण 2D। ओके, इसके अगर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बिल्कुल सिद्ध में लोगे, यानी कि उसी अक्ष पर अगर कोई पॉइंट ले लोगे, तो वो तो कौन सी स्थिति है बेटा? अक्षीय स्थिति। ठीक है, और यदि विद्युत धिदुर, यदि विद्युत धिदुर के मध्य बिंदु के लंबवत कोई स्थिति ले लेंगे, तो बेटा वो कौन सी स्थिति होगी बेटा? निरक्ष स्थिति। कौन सी स्थिति? अगर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अक्ष के अनुदिश ले रहे हो तो अक्षीय स्थिति, अगर मध्य बिंदु के लंबवत ले रहे हो तो कौन सी स्थिति बेटा? निरक्ष स्थिति। अब अपन को दोनों ही स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक तो अपन अक्षीय स्थिति पर ज्ञात करेंगे और एक कौन सी स्थिति पर ज्ञात करेंगे बेटा? निरक्ष स्थिति पर। तो अब अपन चलते हैं विद्युत धिदुर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हो गया बेटा विद्युत धिदुर और विद्युत धिदुर आघूर्ण। अब अपन देखते हैं कि विद्युत धिदुर के कारण उसकी अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपन चलते हैं बेटा आगे टॉपिक पर। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन कौन सी स्थितियां? दो स्थितियां, एक अक्ष पर और एक निरक्ष पर। पहले अक्ष पर देखते थे बेटा, तो अपनी पहली स्थिति है अक्षीय स्थिति पर। अक्षीय स्थिति पर, तभी मैंने बताया अक्षीय स्थिति कौन सी होती है? जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की उसी लाइन में होती है, वही क्या है? अक्षीय स्थिति बेटा। पहले तो विद्युत विद्रोह बना देते हैं बेटा। ये तो है माइनस क्यू और इससे थोड़ी दूरी पर प्लस क्यू, और इस विद्युत विद्रोह को मैंने नाम दे दिया ए बी, जिसका मध्य बिंदु क्या है बेटा? ओ है। तो ए बी एक विद्युत विद्रोह हो गया। यहाँ लाइन कैसे लिखेंगे बेटा? ए बी एक विद्युत विद्रोह है, ठीक है, जिसके मध्य बिंदु ओ से धिदुरु की अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु क्या है बेटा? पी है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इस बिंदु पी की जो ओ से दूरी है बेटा वो है स्मॉल आर। कितनी मान ली अपन ने? स्मॉल आर। ये आप कर दिया तो ये भी डी हो जाएगी और ये भी डी हो जाएगी बेटा। अभी बताया था 2D ले रखे टोटल, तो आधा आधा करेंगे तो डी डी हो जाएगी बेटा। अब आप डी लोगे तो इसको फिर डी बाई टू, इसको डी बाई टू, थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी और कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, ओके। तो विद्युत विद्रोह के केंद्रीय मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु क्या है बेटा? पी है, जहां आपको क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब थोड़ा सा अपन मान लेते हैं कि जो माइनस क्यू आवेश के कारण है वो तो विद्युत क्षेत्र है बेटा। माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र को मान लिया मैंने E1,
और प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र को मान लिया बेटा ई टू, माइनस क्यू के कारण तो क्या मान लिया ई वन, और प्लस क्यू के कारण क्या मान लिया ई टू। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, तो देखो मैंने पहले बता रखा है कि प्लस क्यू आवेश से तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है दूर, और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या माना अपन ने ई टू। तो इस प्लस क्यू आवेश से आपको दूर दिखानी है किसकी दिशा बेटा, ई टू की दिशा। ध्यान देंगे, प्लस क्यू आवेश से तो कहाँ दिखानी है दूर, और माइनस क्यू आवेश की ओर होती है। तो आपको जो ई वन विद्युत क्षेत्र माइनस क्यू आवेश के कारण अपन ने माना है उसकी दिशा इसकी ओर दिखानी है आपको, किसकी ओर दिखानी है माइनस क्यू आवेश की ओर। ये अपन ने डायरेक्शन का डिवाइडेशन कर दिया बेटा, अपन लैंग्वेज में मान लेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ई वन है और प्लस क्यू आवेश के कारण क्या है ई टू है, ठीक है। उस हिसाब से अपन यहाँ डायरेक्शन शो कर दी। अब आगे देखो बेटा, हाँ भाई, अब अपन बात करते हैं इस बिंदु P की, इस माइनस क्यू आवेश से दूरी कितनी है। तो देखो बेटा कितनी दूरी है अभी बता देते हैं, ये O से कितनी दूरी है स्मॉल r है, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है स्मॉल d है। तो टोटल की बात करोगे तो क्या हो जाएगी बेटा r प्लस डी, सिंपल सी बात है बेटा, जो यहाँ से यहाँ तक r है तो इतनी सी d है, तो क्या हो जाएगी r प्लस डी। और अब मैं प्लस क्यू आवेश से बात करूँ तो बेटा प्लस क्यू आवेश से कितनी होगी, ज़्यादा आगे चले गए बेटा, तो अपन बात करें कि बेटा प्लस क्यू आवेश से कितनी होगी, तो बताइए कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और इतनी सी डी है, तो अपन को चाहिए इतनी सी, तो बड़ी में से क्या घटा दो छोटी घटा दीजिए, तो बेटा आर में से क्या घटा दो आप डी घटा दीजिए, तो ये कितनी हो जाएगी आर माइनस डी। ऑल क्लियर है बेटा, प्लस माइनस क्यू से तो कितनी दूरी हो गई आर प्लस डी, और प्लस क्यू से कितनी दूरी हो गई इस बिंदु पी की आर माइनस डी। अब आगे देखो बेटा, अब चलते हैं कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र क्या माना अपन ने बेटा ई वन माना है, कितना माना है ई वन। फॉर्मूला क्या कहता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा देखो आर प्लस डी, तो आर प्लस डी का क्या कर दो होल स्क्वायर। और डायरेक्शन भी दिखाएं तो यहाँ साइड में डायरेक्शन लिख दीजिए बेटा, डायरेक्शन कौन सी है पी ए दिशा में, कौन सी दिशा में बेटा पी ए दिशा में, ऐसे कि ऐसे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र, उसको अपन ने ई टू माना है, तो ई टू इक्वल टू वही के क्यू अपोन आर स्क्वायर, आर की जगह कौन है देखो बेटा इस प्लस क्यू आवेश से पी की दूरी कितनी है आर माइनस डी, तो आर माइनस डी का होल स्क्वायर। यहाँ डायरेक्शन की बात करें तो बेटा बी से दूर जा रही है डायरेक्शन, तो बी पी दिशा में, कौन सी दिशा में बेटा बी पी दिशा में, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन को निकालना है बिंदु पी पर टोटल विद्युत क्षेत्र, बेटा देखो टोटल कैसे निकालेंगे, ये ई वन और ई टू को जोड़ दें, लेकिन जब अपन यहाँ चित्र पर देखते हैं तो दोनों की डायरेक्शन देखो अपोजिट है, आप जोड़ना चाहते हो लेकिन ई टू इधर है ई वन इधर है, तो ये घट जाएंगे, लेकिन बात आती है कि किस में से कौन सा घटाना है। तो यहाँ देखो बेटा साइड में बिंदु पी पर कुल विद्युत क्षेत्र, तो बेटा देखो E इक्वल टू, बात आती है कि E1 माइनस E2 करें या E2 माइनस E1 करें, तो बेटा देखो बड़े में से छोटा घटाना है, ठीक है। अब जज कर लेते हैं कि इनमें से बड़ा कौन सा है, देखो E1 और E2 को जब आप देखोगे तो ऊपर वाली टर्म्स दोनों में इक्वल है, देख लीजिए ध्यान से, ऊपर वाली टर्म्स दोनों में क्या है बेटा इक्वल है, दोनों में क्या है के क्यू है, यहाँ भी क्या है के क्यू है,
अब नीचे वाली टर्म्स देखते हैं, इसमें देखो r प्लस डी हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है r माइनस डी, तो r प्लस डी ज़्यादा है या r माइनस डी ज़्यादा है, बेटा r प्लस डी ज़्यादा है, तो अपन ज़्यादा चीज़ का भाग लगाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा और भी कम, अगर अंश बड़ा है तो टर्म्स बड़ी है, लेकिन यहाँ हर बड़ा है तो टर्म्स उतनी क्या हो जाएगी छोटी। कहने का मतलब क्या है, r प्लस डी का भाग लगाओगे तो ई वन छोटा हो जाएगा और ई टू क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ कुल विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आप क्या करोगे, ई टू माइनस ई वन करोगे, न कि ई वन माइनस ई टू। क्यों करोगे, ऊपर की टर्म्स दोनों में समान है, नीचे वाली से अपन क्लियर कर लेते हैं, जो नीचे वाली जितनी बड़ी टर्म्स उतनी ही छोटी, अगर ऊपर बड़ी तो बड़ी होती लेकिन नीचे जितनी टर्म्स बड़ी उतना रिजल्ट क्या आएगा लो आएगा, कम आएगा। तो अपन तो इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो सिंपल सी बात है बेटा, ये कम है ये ज़्यादा है, तो कम चीज़ का भाग लगाओगे तो रिजल्ट क्या आएगा ज़्यादा आएगा, तो ई टू बढ़ जाएगा ई वन से। ठीक है, तो साइड में लिख दो ऐसा, क्यों किया अपन ने, क्योंकि ई टू ग्रेटर देन ई वन। ठीक है, या आर प्लस डी ग्रेटर देन आर माइनस डी। अब घटा लीजिए बेटा, ई इक्वल टू ई टू का मान कितना है, के क्यू अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर, आर माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्यूशन अपन इधर कर देते हैं बेटा, अपन को पूरा करना है इसी में, देखो बेटा इधर देखते रहिए सॉल्यूशन। अब हाँ भाई देखो, उसी के आगे बता रहे हैं, E इक्वल टू देखो के क्यू दोनों में कॉमन है, निकाल लीजिए के क्यू, देखो यहाँ क्या बच गया वन अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया वन अपॉन आर प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो E इक्वल टू के क्यू, लघुतम ले लीजिए आर माइनस डी का होल स्क्वायर आर प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो r माइनस डी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बच गया यहाँ पे r प्लस डी का होल स्क्वायर, r प्लस डी कट जाएगा, क्या बच जाएगा r माइनस डी का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन कर लीजिए, e इक्वल टू के क्यू होल स्क्वायर खोल लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, लेकिन बाहर ऑलरेडी माइनस है तो अपन चिन्ह बदल देते हैं बेटा, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस टू आर डी बटे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला बन गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट लीजिए बेटा, आर स्क्वायर कट गया डी स्क्वायर कट गया आर स्क्वायर कट गया डी स्क्वायर कट गया, क्या बच गया बेटा ई इक्वल टू के क्यू टू आर डी और टू आर डी क्या हो गया फोर आर डी, बटे में क्या है बेटा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना हो गया कंप्लीट। अब देखो बेटा आगे, इसी के आगे चलते हैं बेटा, देखो अब कुछ बनाने जा रहे हैं थोड़ी देर, थोड़ा सा ध्यान इधर रखना बेटा, नहीं तो बन जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा क्या बन गया। देखो बेटा इसका डिवाइडेशन कुछ इस तरह कर रहे हैं अपन, देखो E इक्वल टू क्या कर रहे हैं, E इक्वल टू देखो 4RD को दो भागों में तोड़ रहे हैं, टू और टू, कैसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2KQ और साथ में लिख रहा हूँ मैं 2RD बटे R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर का होल स्क्वायर, वापिस दो दूनी चार, यही टर्म्स बन जाएगी। देख लीजिए बेटा अब ऐसा क्यों किया अपन ने, देखो ध्यान से, अभी अपन ने विद्युत विद्युत आघूर्ण P बराबर करवाया था Q इंटू टू डी, क्योंकि विद्युत विद्युत आघूर्ण P बराबर Q इंटू टू डी, तो देखो बेटा QB है 2B है और DB है,
मतलब इन तीनों की जगह आप सिंपल में क्या लिख सकते हो, पी लिख सकते हो। तो फाइनली ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कौन सी स्थिति पर आ गया, अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र। दोबारा देख लो, 2 ऐसे कैसे, के बी ऐसे कैसे है, और बेटा जो अपने पास r बच गया बेटा 2kp r, ठीक है, और बाकी जो अपने q और 2d था उसकी जगह अपन ने p लिख दिया। ये है अक्षीय स्थिति पर विद्युत दिदुर टू अविद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बेटा। अब अगर इसमें आप कंडीशन लगा दोगे तो कंडीशन क्या है, देखो कि जो r का मान है वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है किससे बेटा, d से, क्योंकि d क्या है, अल्प दूरी है। पहले अपन ने बोल दिया 2d अल्प है तो d तो और भी अल्प हो जाएगी बेटा। तो अगर ये वाली कंडीशन यहाँ अप्लाई कर देते हो तो e इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2kp r, r की तुलना में d को नेगलेक्ट कर दो, फिर r स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, r की पावर 4, 2kp r अपॉन r की घात 4, एक r से एक r कट जाएगा, कितना रह जाएगा 3। तो ये फाइनली अपने पास रिजल्ट आ जाएगा, e अक्षीय इक्वल टू 2kp अपॉन r की घात 3। ये हो गया बेटा अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात करते हैं बेटा डायरेक्शन की, थोड़ा ध्यान देना बेटा, फॉर्मूला तो आ गया अपने पास, अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं डायरेक्शन, क्योंकि आपको चित्र में भी डायरेक्शन को दिखाना है। तो देखो बेटा, हाँ भाई, अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने माइनस क्यू बनाया था और इधर प्लस क्यू बनाया था, ठीक है बेटा। तो विद्युत दिदुर आघूर्ण की दिशा पूछू तो मैंने कहा था नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब विद्युत दिदुर आघूर्ण की दिशा कहाँ हो गई, ए, यहाँ ए है, यहाँ बी है, इधर की ओर, ए से बी की ओर। और जब अपने विद्युत क्षेत्र निकाला तो अपने किया था E2 माइनस E1, और E2 की डायरेक्शन क्या थी, इधर की थी, और E1 कहाँ था, इधर था। तो बेटा जो ज़्यादा है वो अपनी तरफ खींच के ले जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र कहाँ का ज़्यादा है, E2 का। तो फाइनली जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कहाँ होगी, इधर। कहने का मतलब, मैं चित्र पूरा कंप्लीट कर देता हूँ बेटा, क्या करना है आपको उस चित्र में, देखो माइनस क्यू प्लस क्यू, ये ओ, यहाँ से कुछ दूरी पर पी था, यहाँ से E2 माना था, और इधर क्या माना था, E1 माना था। तो डी बेटा E2 ग्रेटर देन E1 है, तो जो परिणामी टोटल विद्युत क्षेत्र है E, उसकी दिशा कहाँ हो जाएगी बेटा, इधर। तो आपने जो चित्र बना रखा है वहाँ E वेक्टर और दिखाओगे ऐसे करके, और विद्युत दिदुर आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर, तो विद्युत दिदुर आघूर्ण की दिशा भी ऐसे ही दिखाओगी। कहने का मतलब जो टोटल विद्युत क्षेत्र है और विद्युत दिदुर आघूर्ण है उसकी डायरेक्शन सेम होगी। यहाँ लाइन पुट होगी, उसके बाद इसको आप सदिश रूप में कैसे लिख सकते हो, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो सदिश रूप में क्या आ जाएगा, ई वैक्टर अक्षीय इक्वल टू 2kp वैक्टर अपॉन r की घात 3। अगर ये डायरेक्शन अपोजिट होती तो नेगेटिव साइन आता, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम इसलिए पॉजिटिव साइन आएगा बेटा। ये है बेटा विद्युत दिदुर के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा, ठीक है बेटा। आपको चित्र का डेकोरेशन ध्यान रखना है, चित्र को कैसे एडजस्टमेंट किया था अपन ने, अगर चित्र का आपको पता है तो आप इजीली निकाल सकते हो। माइनस और प्लस चार्ज का आपको ध्यान रखना है, माइनस से आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर दिखानी है, प्लस से दूर की ओर दिखानी है बेटा, ठीक है, ओके। अब अपन इसके निरक्ष पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। और एक चीज़ और बता देते हैं बेटा, जब इसको फाइनल फॉर्मूले को आप देखते हो तो E समानुपाती आता है 1/r³। कहने का मतलब अक्षीय स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र है वो दिदुर के केंद्र बिंदु O से जो बिंदु अक्ष पर स्थित है P, उसकी दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, रिजल्ट कह रहा है। ऐसे ही अपन अब निरक्ष पर निकालेंगे, उसके लिए अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे बेटा, और इसको आप सावधानी पूर्वक देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। धन्यवाद।